नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिंगापुर एयरलाइंस पर साइबर हमला, यात्रियों की चुराई जानकारी। और तेल उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे ओपेक देश, पेट्रोल डीजल और होगा महंगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 68.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.55 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले सप्ताह में यह 1.69 करोड़ डॉलर बढ़कर 583.86 करोड़ डॉलर पर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार लगातार दूसरे सप्ताह इसमें मामूली वृद्धि हुई है। 26 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 50.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 542.61 अरब डॉलर पर रही। इस अवधि में स्वर्ण भंडार 17.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 35.42 अरब डॉलर पर रहा। आलोचित सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 5.0 अरब डॉलर पर स्थित रहा और विशेष आहरण अधिकार 90 लाख डॉलर बढ़कर 151 अरब डॉलर पर रहा। पिछले एक महीनों में देश में कपास की कीमतों में 5% वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी की रुझान के चलते कपास के दाम चढ़े हैं। हालांकि इसका निर्यात मजबूत है क्योंकि भारतीय कपास विदेशी किस्मों की तुलना में सस्ता है। ट्रेडर्स, मिलर्स और ब्रोकर इस बात से उत्साहित है कि कपास की कीमतों में तेजी 2021 और 22 में अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे प्रमुख कपास उत्पादक देशों में कम बुआई के अनुमानों के कारण बनी रहेगी। पिछले महीने के मुकाबले कपास की कीमतें 44,000 से बढ़कर 46,600 रुपए प्रति कैड हो गई है, क्योंकि घरेलू कपास का उत्पादन पहले की अपेक्षा काफी कम होने की उम्मीद है। कपास की एक कैंटी 356 किलोग्राम की होती है। 4 करोड़ गांठों की पहले की अनुमान के विपरीत उद्योग को अब 2020 से 21 में कपास उत्पादन लगभग 3 करोड़ 30 लाख गांठ होने की उम्मीद है। सफेद सोना यानी कपास की खेती इस साल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। वैश्विक बाजार में रुई के दाम में आई तेजी के बाद देश में कपास का भाव इसके MSP से 15% से ज्यादा तेज हो गया है और किसान अब सरकारी एजेंसी की खरीद के मोहताज नहीं रह गए हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गणत्रा कहते हैं कि सफेद सोना वाकई इस साल किसानों के लिए सोना बन गया है। यदि आप चिंतित हैं कि हाल ही की रैली के बाद घरेलू शेयर बाजार का वैल्यूएशन अधिक है तो यह राहत की खबर है। आगामी 31 मार्च से NSE के मुख्य इंडेक्स निफ्टी 50 का वैल्यूएशन अपने आप 12% घट जाएगा। खास बात यह है कि ऐसा बाजार में गिरावट आने वाले होगा। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मैनेजमेंट के नियम में बदलाव करने जा रहा है। एक्सचेंज निफ्टी 50 के PE रेशो की गणना के लिए कंपनियों की स्टैंड अलोन आय की जगह कंसोलिडेटेड आय का उपयोग करेगा। वैश्विक स्तर से मिले कमजोर संकेतों का असर घरेलू स्तर पर भी पड़ा और शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सेंसेक्स 0.87% तथा निफ्टी 0.95% की गिरावट पर बंद हुए हैं। दिग्गज कंपनियों के साथ ही मझोली और छोटी कंपनियों में बिकवाली देखी गई, जिससे BSE का मिड कैप 1.89% घटकर 20,587.80 अंक पर और स्मॉल कैप 1.50% की कमी के साथ 21,301.53 अंक पर बंद हुआ है। BSE में आज कुल 3,129 कंपनियों में कारोबार हुआ, जिसमें से केवल 1,057 कंपनियों के शेयर हरे निशान में और 1,929 के लाल निशान में बंद हुई, जबकि शेष 143 कंपनी के शेयर दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद अंततः अपरिवर्तित रहे। BSE का सेंसेक्स आज 329 अंक की गिरावट लेकर 50,517.36 अंक पर खुला और दोपहर बाद 50,886.19 अंक के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। अंत में पिछले दिवस के 50,886.08 अंक के मुकाबले 0.87% घटकर 50,405.32 अंक पर बंद हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा है कि उसके विमानों से अक्सर यात्रा करने वाले करीब 5,80,000 क्रूज फ्लायर और PPS सदस्यों के आंकड़ों को चुराया गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंटमारिबे हवाई परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी SITA की यात्री सेवा प्रणाली सर्वर के बीच संलिप्तता रही। इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने कहा है कि सिंगापुर एयरलाइंस हालांकि SITA PSS का ग्राहक नहीं है, लेकिन SITA PSS सर्वर में हुई इस सेंटमारिबे से उसके कुछ क्रूज फ्लायर और PPS सदस्यों को प्रभावित किया है। क्रूज फ्लायर अक्सर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। SIA ने हालांकि कहा है कि आंकड़ों के इस चोरी में उसके क्रूज फ्लायर और PPS सदस्यों के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य ग्राहक संबंधी जानकारी की चोरी शामिल रही है। स्टार अलायंस के सभी सदस्य एयरलाइन उनके साथ अक्सर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक सीमित से कार्यक्रम की जानकारी अलायंस को देते हैं, जिसे अन्य एयरलाइन सदस्य को भेजा जाता है। इनमें से एक स्टार अलायंस सदस्य एयरलाइन SITA PSS ग्राहक है। इसी के परिणाम स्वरूप SITA को अक्सर यात्रा करने वालों के सीमित डेटा तक पहुंच हो गई, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस भी शामिल है। उधर SITA ने इसकी पुष्टि करते हुए एक अलग वक्तव्य में कहा है कि वह साइबर हमले का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से डेटा सुरक्षा की यह घटना हुई है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिंगापुर एयरलाइंस पर साइबर हमला, यात्रियों की चुराई जानकारी। और तेल उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे OPEC देश, पेट्रोल डीजल और होगा महंगा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।